जगह के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर उनको पूजा करने की इजाज़त देते हैं। हाथ में लकड़ी होती है, स्टिक होती है, कुछ नौजवानों के हाथ में तलवार होते हैं, MLA पार्लियामेंट्री ऑल ऑफ लॉ मेकर बालिग बच्चे हैं, वो लोगों को वहाँ पर जेल के अंदर डाला गया है। Section 3 के तहत ऐसे जितने भी इबादत गाहें हैं उसकी तहफ़ के लिए कानून बनाया गया है। 1,000 होंगे, 2,000 होंगे, 10,000 लोग जमा होंगे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन। सबसे बड़ी गलती वो 10 लोगों को वहाँ पर जो आने दिया है ना, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी एक पुलिस वाले के पर अगर पत्थर अगर गिरता है, अगर उनको मामूली से चोट अगर लगती है तो 307 केस डालते हैं। मैं मंदिर के अंदर नमाज पढ़ नहीं सकता हूँ और मस्जिद के अंदर कोई आकर मंदिर नहीं बना सकता, यही तो कानून है। अच्छी सोच रखते होंगे, अच्छा जज्बा रखते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो रहा है आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आज यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से एक प्रेस क्लब में रखी गई थी। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के जानिब से एक प्रेस मीट थी जिसमें बहुत सारे बातें हम लोगों के सामने आए हैं और हमको ये महसूस हुआ कि इसका हम जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है और उनकी बहुत सारी गलती है, अपनी गलतियों को भी वो लोग छुपाए हैं। उसी गलतियों को यहाँ पर हम बताने के लिए यहाँ पर एक प्रेस मीट रखे थे। सबसे पहले गलती ये है कि आपने 27 से लेकर 3 मार्च तक एक 144 को जो है इम्पोज किया गया था। 144 का मतलब क्या है? 144 इम्पोज ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 ए के तहत CRPC के तहत इम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर पाबंदी आयद करते हैं। तो 144 होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि पूरी तरह से पाबंदी हो, वरना 144 इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 144 इम्पोज करने के बाद 1 तारीख को हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, MLA पार्लियामेंट्री ऑल ऑफ लॉ मेकर्स, वो लोग जो है कानून बनाने वाले लोग वहाँ पर सेक्शन 144 को तोड़कर एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर हज़रत लाले मशाक अंसारी की दरगाह पर आते हैं। वहाँ पर स्लोगन्स लगाए जाते हैं, वो स्लोगन्स हेट्रेड स्लोगन्स लगाए जाते हैं वहाँ पर। हाथ में लकड़ी होती है, स्टिक होती है, कुछ नौजवानों के हाथ में तलवार होते हैं, एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर तमाशीन बनकर देखती रहती है। उसके बाद एक माहिरा होता है कि 10 लोगों को छोड़ेंगे। 10 लोगों को कैसा छोड़ सकते हैं जब 144 इम्पोज करते हैं तो 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं है, फिरना नहीं है। तो यहाँ पर 10 लोग यह कर रहे हैं तो फिर खुद अपनी गलती वहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीडिया वाले उस वक्त उनको SP साहब को पूछ रहे थे 144 की बात कैसा ये करें। किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन पर 4 से ज़्यादा लोगों के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की मौजूदगी में 144 इम्पोज करते हैं और 10 लोगों को वहाँ पर इजाज़त देते हैं। और वो सिर्फ इजाज़त देने की वजह से इतना जो यहाँ पर माहौल ख़राब हुआ, ये उनकी गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पर मासूम नौजवान जो बेगुनाह हैं, जो खवातीन हैं, मासूम छोटे 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 बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो लोगों को वहाँ पर जेल के अंदर डाला गया है और कहते हैं कि वो लोग क्रिमिनल हैं, वो लोग तमाम लोग क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल है, क्या क्राइम किए, क्या जुर्म किया बताइए? वहाँ पर आप 10 लोग भेजते हैं दरगाह के अंदर, दरगाह के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर उनको पूजा करने की इजाज़त देते हैं। तो यहाँ पर एक इबादत अगर इबादत का है, दूसरा लोग अगर अंदर घुसकर अगर इबादत करता है तो रिलीजियस के सेंटीमेंट्स का हर्ट होता है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल एक्ट 1991 एक्ट बनाया है। Section 3 के तहत ऐसे जितने भी इबादत गाहें हैं उसकी तहफ़ के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन ये कानून बनाने का मतलब क्या है जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? वहाँ पर लोग अंदर जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर लोग जमा हुए, मॉब जमा हो गए। आपकी जिम्मेदारी है मॉब को कंट्रोल करने की, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। 1,000 होंगे, 2,000 होंगे, 10,000 लोग जमा होंगे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन। आप केस करने से कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन, आप लाठी चार्ज करने से कंट्रोल सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती वो 10 लोगों को वहाँ पर जो आने दिया है ना, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी एक पुलिस वाले के पर अगर पत्थर अगर गिरता है, अगर उनको मामूली से चोट अगर लगती है तो 307 केस डालते हैं। Section 307 के अंदर करके 160 लोगों को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको तमाम लोगों को जेल के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि ये पूरे क्रिमिनल्स हैं। कैसा क्रिमिनल्स हैं? औरतें हैं वहाँ पर, 9 औरतों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया।
20 नाबालिग बच्चों को वहां पर गिरफ्तार किया गया। एक घंटे के अंदर आपको पता चला है कि ये लोग कत्ल मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। 387 का मतलब क्या है? अगर किसी आदमी को हम मारते हैं, जख्म अगर ऐसा जख्म होता है जिसकी वजह से मौत हो सकती है, उसी सूरत में ही 387 डालना होता है। यहाँ पर किसको इंजुरी हुई? कंप्लेंट में खुद वो कंप्लेंट के जो क्राइम नंबर 29 के अंदर जो है, कंप्लेंट के अंदर इंटरनल इंजुरी लगी है। इंटरनल इंजुरी के ऊपर 307 केस। तो इनके ऊपर अगर 307 केस हो रहा है तो सबसे पहले वो 10 लोगों के ऊपर भी केस होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी वजह से ये हादसा यहाँ पर सामने आया। अगर वो आते नहीं, अगर वो 144 को अवॉय करते, वो कानून को मानते, डीसी के ऑर्डर को अगर मानते, अगर वो एंट्री नहीं करते, जुलूस नहीं निकालते, दरगाह के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, तो ये माहौल होता नहीं। सबसे बड़े फसाद की जड़ वो कुछ MLA वहाँ का, बिदर का MP और कुछ लोग जो फिरका पर सोच रखने वाले, जो जात पात के नाम पर बांटने वाले लोग जो है वहां ये कर रहे हैं। आज वहां आनंद के लोग सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, आनंद में पूरे मजहब के लोग वहां पर तकरीबन एक हफ्ते से उनका कोई कारोबार नहीं है। वहां पर लेबर वहां पर काम नहीं मिल रहा है उनको, लोग घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, और ये लोगों को कोई फिक्र नहीं है। वो 10 लोगों की वजह से पूरे एंटायर आनंद इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट पूरे लोग का वहां पर परेशान है। वहां पर उनके ताल्लुक से कोई सोचने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां पर तमाम लोगों को वहां पर तहफ्फुज़ होना चाहिए, और किसी भी मजहब से रहना हो तो किसी भी मजहब के अंदर, मजहबी इबादत गांव के अंदर जाकर मैं मंदिर के अंदर नमाज पढ़ नहीं सकता हूं, और मस्जिद के अंदर कोई आकर मंदिर नहीं बना सकता, यही तो कानून है। आप दरगाह है, दरगाह के अंदर मंदिर कैसा हो सकती है? वहाँ पर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर नाम की कोई चीज़ है नहीं, वहाँ पर किसी लिंक नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1967 से इसकी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने वाले लोग अब तक उसके अंदर कामयाब नहीं हुए। जितने भी केसेस दाखिल करे हैं वो तमाम केसेस डिसमिस हो चुके हैं, तमाम के तमाम केसेस डिसमिस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहाँ पर चैतन्य लिंग है बोलकर वहाँ पर कहते हैं। वहाँ पर कोई नहीं है। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहता हूँ, आपने भी प्रेस मीट में कहने, वहाँ पर टेम्पल नहीं है, वहाँ पर लिंगा है, कैसे आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? वो एक इबादत का है, वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी गजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके अंदर दूसरी, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते वक्फ प्रॉपर्टी का। एक मरतबा डिक्लेयर अगर होता है तो उसका कैरेक्टर, उसका ऑब्जेक्ट जो वक्फ प्रॉपर्टी का ये करना होता है, उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये कानून कहता है, आप पढ़ना चाहिए, आप काबिल लोग हैं, हम काबिल लोग नहीं हैं। आप IAS IPS पास करने वाले, आप छोटे मोटे लोग हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे बहुत अच्छी बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिला इंतजामिया से, आप अच्छे लोग, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी सोच रखते होंगे, अच्छा जज्बा रखते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो रहा है आंख बंद करके नहीं बढ़ सकते। बेगुनाह लोग वहां पर जेल के अंदर, उसके बारे में आपको सोचना होगा।